हेलो नाइन्थ क्लास, अभी हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, साथ में इसको जस्टिफाई भी करना है कि जो आपने ट्रू या फॉल्स बताया है वो सही है या गलत है एक्चुअल में। तो फर्स्ट इसका पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो क्या कह सकते हो आप, रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यानी इरेशनल नंबर रियल का ही एक कलेक्शन है, तो सारी इरेशनल नंबर जो है रियल हो जाएंगी। तो यू कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर इज ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ये मिलकर रियल बनाती हैं। यानी रियल के जो ग्रुप बनता है नंबर्स का, उसमें सारी इरेशनल नंबर आ जा रही हैं। तो यू कैन से दैट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। यानी कि इसमें कह रहा है कि नंबर लाइन पे सारे जो नंबर्स हैं वो रूट एम के फॉर्म के होते हैं। तो आप जैसे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कैसे समझोगे आप, जैसे नंबर लाइन पे जो भी सारे पॉइंट्स हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है। जैसे हमने -3 को ले लिया, तो -3 एम की कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको स्क्वायर रूट लेने पे -3 आ जाए, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, उसमें पहला जो भी रियल नंबर है वो इरेशनल होती है, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि 5 क्या है, 5 एक रियल नंबर है। 5 इज ए रियल नंबर बट इट इज नॉट इरेशनल। उसमें बोला कि एवरी रियल नंबर इरेशनल होती है, लेकिन यहां पे 5 रियल नंबर है और ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी योर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, फॉल्स। आर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इसमें क्या, सारी नंबर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लो, तो उसमें क्या रहा, क्या सारा इरेशनल आता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई नंबर, जैसे √3 ले लिया, तो √3 पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन ये इरेशनल है, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है, दिस इज इरेशनल। लेकिन अगर आप √4 ले लिए, √4 क्या है, इंटीजर है, और उसके बाद इस 4 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और 2 क्या आ गया, रेशनल आ गया, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। यानी कि सारी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वह इरेशनल नहीं हो सकता। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द, इफ नॉट उसमें दिया हुआ है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल हमने दे दिया कि √4 एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट लेकर के 2 आ रहा है, तो 2 रेशनल हो गया, इरेशनल नहीं है, तो ये सही हो गया आपका। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू शो √5 ऑन ए नंबर लाइन। उसमें बोला कि क्या इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं √5 को, तो हम इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। √5 को देखो कैसे करेंगे, अभी आप 5 को दो पार्ट में स्प्लिट कर लो, 5 को दो पार्ट में, और ऐसे पार्ट में स्प्लिट कर लो जो स्क्वायर, जो कंप्लीट स्क्वायर हो, होल स्क्वायर नंबर हो। तो इसको स्प्लिट कर सकते हो 4 और 1 में, और 4 को भी लिख क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ एक नंबर 2 मिल गई, एक नंबर 1 मिल गई। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचो, कोई भी एक लाइन खींचो, उसमें दो पॉइंट लो, एक O लो और एक A ले लो, और इसके लेंथ ले लो 2 यूनिट, ये 2 यूनिट है, कोई भी लेंथ ले लो, फिक्स कर लो, और ये 2 यूनिट है। अब यहाँ पे A पे 90 डिग्री का एंगल बना लो कंपस से, A पे 90 डिग्री का कंपस से एंगल बनाओ, और डिस्टेंस ले लो, ये बीच में जो 2 यूनिट है, आप मान लो यहाँ पे M है, तो AM के इक्वल एक कंपस में डिस्टेंस लेके और A को सेंटर मान के एक आर्क लगाओ, ये मान लो B पे कट कर दिया,
टेक अवे एनी डिस्टेंस विद टू यूनिट्स, डिवाइड इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, देन इट विल बी डिवाइडेड इंटू टू वन एंड वन यूनिट्स. नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए. नाउ टेक ए डिस्टेंस ए एम दैट इज वन यूनिट एंड टेकिंग ए एज ए सेंटर कट एन आर्क ऑन दिस लाइन, देन यू विल गेट पॉइंट बी, ज्वाइन ओ टू बी. तो ये राइट एंगल बन गया. नाउ टेकिंग ओ एज ए सेंटर, अब ओ पे सेंटर रख के कंपास बी तक खोलो और उसके बाद उसको आगे बढ़ाओ. यहाँ पे इस लाइन पे एक आर्क काटो, इस सी पॉइंट आ गया. तो जो ओ से सी तक की डिस्टेंस रूट फाइव है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टू का स्क्वायर फोर आ गया, वन का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, और यहाँ पे पाइथागोरस जब लगाओगे तो ए हाइपोटेन्यूस हो गया, इसकी वैल्यू रूट फाइव आ गई. और इसी वैल्यू को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं. तो यहाँ से ओ से सी तक की जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट फाइव आ जाएगी. तो उसमें पूछा है क्या रूट फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यू विल से यस. और इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेना. नाउ यू विल लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर. क्लासरूम एक्टिविटी है वैसे है तो, लेकिन मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बता दे रहा हूँ. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पायरल, स्क्वायर टू स्पायरल बनाना है. तो स्क्वायर टू स्पायरल कैसे बनता है देखो, बहुत आसान है. बस ध्यान से, आपके पास पेंसिल स्केल और कंपास होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे एक लाइन खींच लो बिल्कुल सीधी, स्केल का यूज करते हुए. और यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ले लो ओ और एक पॉइंट ले लो ए. दिस विल बी वन यूनिट, इसको ध्यान रखना, ये वन यूनिट है. ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ कंपास से, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये लाइन बनेगी. अब ओ ए की लेंथ से ए को सेंटर लेकर के इस जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पर एक आर्क लगाओगे, तो इसको ले लोगे बी. ओके, अब बी को ओ से ज्वाइन कर दो, बी को ओ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है. अब ये वन है, ये भी वन आ गया. तो पाइथागोरस जब लगाओगे तो हाइपोटेन्यूस इन रूट, इन रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, इन रूट वन प्लस वन, और ये क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा. ये जो डायगनल है ये रूट टू आ गया. ओके, अब इसके बाद इस ओ बी लाइन पे के बी पॉइंट पे फिर अगेन ये विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इसके बी पे एक 90 डिग्री का अगेन एक एंगल बनाओ. और फिर ओ ए के डिस्टेंस है, ओ ए के डिस्टेंस यानी वन यूनिट के डिस्टेंस है, बी पे रखो कंपास और फिर यहां से एक फिर आर्क लगाओ सी पॉइंट पे, और फिर सी को ओ से ज्वाइन कर देना, सी को ओ से ज्वाइन कर देना. तो जब ये लाइन मिलेगी रूट थ्री आ जाएगी, ये रूट थ्री मिल गई. अगेन यू कैन रिपीट सेम प्रोसेस, फिर सी सी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल दोबारा से बनाना है, एक लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर. फिर ओ ए डिस्टेंस है, ओ ए डिस्टेंस है सी पे रखे अगेन एक आर्क लगाओगे डी पॉइंट पे, नाउ ज्वाइन ओ डी, तो ये रूट फोर आ जाएगा. अगेन डी पे फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन गया. फिर वन यूनिट की डिस्टेंस है डी को सेंटर लेकर के अगेन एक आर्क लगाओ, ई आ गया. और ई को फिर ओ से ज्वाइन करो तो ये आ गया रूट फाइव. तो ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस सारी कंस्ट्रक्शन को बोला जाता है स्क्वायर रूट स्पायरल. अब इसके थ्रू किसी नंबर को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट रूट टू ऑन ए नंबर लाइन बाय हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट स्पायरल. यहाँ एक कंपास का मेटल पॉइंट यहाँ रखो ओ पे, और उसका पेंसिल पॉइंट बी पे रखो, और यहाँ से एक आर्क लगा दो. यहाँ से एक आर्क लगा दोगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये डिस्टेंस रूट टू हो जाएगी. फिर ओ से सी, ओ से सी को ओ पे मेटल पॉइंट रखो, सी पे पेंसिल पॉइंट रखो, यहाँ से एक आर्क लगाओगे तो यहाँ से ये यहाँ से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है वो रूट थ्री हो जाएगी, रूट थ्री हो जाएगी. ऐसे ही मान लो रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से रख करके एक ऐसे आर्क लगा दोगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ से ओ तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी रूट फाइव. तो दिस इज स्क्वायर रूट स्पायरल. तो आप इसको कंपास का यूज करके घर पे बना लोगे और एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लोगे. वेरी इजी क्वेश्चंस जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप इसको समझ करके स्टेटमेंट के साथ उसको कॉपी में पूरा कर लोगे. और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊँगा. थैंक यू.